गुड मॉर्निंग। ये ट्यूसडे मॉर्निंग है और ये क्लास 11th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 11th में यूनिट एंड डायमेंशन और एरर्स ये मैंने पढ़ा दिया था। एक और टॉपिक है जो इस चैप्टर में रह जाता है, वो है वर्नियर कैलिपर। तो आज क्या करने वाले हैं, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वर्नियर कैलिपर होता क्या है, वर्नियर कैलिपर काम क्या करेगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है ना, जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसा वैसा सुनते जाना, जितना मैं बता दूंगा उतना काफी है। उसके अलावा तुमको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, उसके अलावा बस तुमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, पैकेज में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको डीसी पांडे में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस आप भर भर के कर सकते हो, लेकिन कुछ अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बता दूंगा उतना काफी है, उसके अलावा जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक स्केल से। बेसिक स्केल जो हमारे लैब में हम लोग यूज करते हैं, तो शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, शेयर। अब मान लो जो जो बेसिक स्केल होता है, जो हमारे पास जो हमें मिलता है, वो होता है मीटर स्केल। जनरली 1 मीटर का स्केल होता है। अब वो जो 1 मीटर का स्केल होता है, उसमें क्या होता है, डिविजन्स जो होते हैं सेंटीमीटर्स में होते हैं। अगर आपको पता हो तो 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, तो ये एक मीटर स्केल है जो हम बेसिक लैब में यूज करते हैं। अब इसमें क्या है ना, 0 से 1, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 से 2 ये फिर से 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 फिर से 1 सेंटीमीटर। और ये 0 से 1 के बीच में अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है, 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं। जो नॉर्मल स्केल होता है 10 इक्वल डिविजन्स। अब अगर मेरे पास ये 1 सेंटीमीटर का स्केल है जिसमें 10 इक्वल डिविजन्स है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को अगर मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 इक्वल डिविजन, तो जो 1 डिविजन होगा वो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 इसके बराबर हो गया क्या, या इसको मैं 0.1 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूँ। अब एक्चुअल में ये जो 0.1 सेंटीमीटर है, वही क्या होता है, 1 मिलीमीटर। अगर आपको ज्ञान हो या अगर आपको पता हो, 10 मिलीमीटर का ही हम क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, तो ये जो स्केल है ना, ये जो स्केल है, इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो, वो आप क्या मेजर कर सकते हो, 1 मिलीमीटर का मार्क आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 1 के बीच में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से 10 डिविजन्स होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक स्केल लिया है, मतलब मेरे पास एक पेंसिल है। यहाँ पर क्या है, एक पेंसिल है अप्सरा, पता नहीं तुम्हारे लाइफ में अप्सरा है या नहीं, लेकिन मेरे लाइफ में है अप्सरा, तो पेंसिल का नाम मैंने ले लिया अप्सरा। अब ये जो अप्सरा पेंसिल है, मेरे को उसका लेंथ मेजर करना है। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर का मार्क है, ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर का मार्क है, और ये जो रीडिंग है ना, पेंसिल का जो लेड है वो यहाँ कहीं पर आके ऐसे कॉन्साइड करने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे ना, जब आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू करोगे, तो इसमें जब हम माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, तो मेरे पास ये जो सेंटीमीटर स्केल था, ऐसे यहाँ कहीं पर 5 है, यहाँ कहीं पर 6 होता, यहाँ कहीं पर 7 होता। ये 5 6 7, इसको मैंने अगर माइक्रोस्कोप में इनलार्ज करके देखा तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो पेंसिल का निब है ना, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, पेंसिल का निब जिससे हमें क्या करना है, ट्रेस कर रहे हैं, ये यहाँ कहीं पे कॉन्साइड कर रहा है, मतलब 6 और 7 के बीच में कॉन्साइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो पेंसिल है उसका लेंथ कितना है, ये फाइंड आउट करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर मेरे को 2.6, आप अगर इसका रीडिंग फाइंड आउट करने को बोला जाए, तो आप बोलोगे सर 2.6 सेंटीमीटर से लेकर 2 पॉइंट, देखो ये सेंटीमीटर स्केल है, 0 से 1 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 से 2 2 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ से 2 से 6, 6 और 7, अगर मैं 6 तक पहुंच गया तो 2.6 सेंटीमीटर तो हो गया ना, तो 2.6 सेंटीमीटर से लेकर ये जो है वो क्या होगा, 2.7 सेंटीमीटर तक है। आप बोलोगे सर इसका जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, 2.6 सेंटीमीटर से लेकर 2.7 सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है।
अब इसका 2.6 और 2.7 के बीच में तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 2.62 मान, बिल्कुल सही है। कोई बोलेगा 2.63 है सर, कोई बोलेगा सर 2.67 है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका भी रीडिंग हमें सही मानना पड़ेगा, इसका भी रीडिंग सही मानना पड़ेगा और इसका भी रीडिंग सही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्केल था, स्केल का लिमिटेशन है कि मैं 2.6 और 2.7 के रीडिंग को एग्जैक्ट बता सकता हूँ। एग्जैक्टली ये बताया जा सकता है कि 2.7 से कम है लेकिन 2.6 से ज्यादा है, लेकिन उसका बीच का वैल्यू क्या है ये तो नहीं बता सकते। मतलब ये जो मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल से मैं एग्जैक्ट, अगर मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं इसका जो एग्जैक्ट रीडिंग फाइंड आउट कर सकता हूँ वो 2.6 तक ही फाइंड कर सकता हूँ क्या? इसका मतलब ये जो स्केल था, ये जो स्केल है, इस स्केल को यूज करके जो सबसे छोटा वैल्यू तुम मेजर कर सकते हो वो 1 मिलीमीटर है ना। सबसे छोटा वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो वो क्या है, लीस्ट काउंट। यहाँ पे एक वर्ड हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा मेजरमेंट जो उस डिवाइस से किया जा सकता है, सबसे छोटा मेजरमेंट, सबसे छोटा मेजरमेंट जो डिवाइस से किया जा सकता है, जो डिवाइस से किया जा सकता है। अब जो सबसे छोटा मेजरमेंट डिवाइस से किया जा सकता है, तो सबसे छोटा डिवीजन जो मैं यहाँ पे मेजर कर सकता था वो 1 मिलीमीटर का है, या मैं 0.1 सेंटीमीटर का बोल सकता हूँ ना, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये जो रिजल्ट है, अब मैंने आपको ये बताया था कि डेसिमल के बाद जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स मिलते हैं उतना प्रिसाइस वैल्यू होता है क्या, उतना अच्छा रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास स्केल है उससे मैं सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर्स तक एग्जैक्टली मेजर कर सकता हूँ, लेकिन उससे छोटा मेजरमेंट मैं नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ये जो स्केल था उसका लिमिटेशन है। अब उसके स्केल के लिमिटेशन को ही अपने को क्या करना है, ओवरकम करना है। अब वो स्केल का लिमिटेशन कैसे ओवरकम होगा, तो यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। एक वर्नियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वर्नियर कैलिपर नाम का डिवाइस बताया था। कैलिपर का मतलब मेजर करना ही होता है, तो वर्नियर कैलिपर क्या करेंगे, अब मैं पहले कंस्ट्रक्शन, ये मैंने बता दिया कि वर्नियर कैलिपर की रिक्वायरमेंट क्या है। वर्नियर कैलिपर ये जो 6.3 या 6.7 या 6.2 है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड करके बता देगा। तो फिर से मैं स्क्रीन को पॉज करूंगा, डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखो, ये इस तरह का एक डिवाइस तुमको मिलेगा अपने फिजिक्स के लैब में। ये जो डिवाइस है इसी को क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर। एक टाइम था इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया, इसके दिन फिर गए। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अब बहुत ही सिंपल होते हैं, तो ये फ्री के मार्क्स देके जाते हैं। अब ये जो वर्नियर कैलिपर है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो दो स्केल्स होते हैं। ये मैंने वाइट से एक स्केल बनाया है, ये जो वाइट से मैंने बनाया है उसको मैं क्या बोलता हूँ, मेन स्केल। ये पूरा पूरा जो वाइट से मैंने बनाया है ये पूरा मेन स्केल है, और ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल क्या है, फिक्स्ड है। ये मेन स्केल क्या होता है, फिक्स्ड होता है। येलो से मैंने एक और स्केल बनाया है, यहाँ से येलो से जो स्केल बनाया गया है वो हमारा है वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल है, मेन स्केल जो नॉर्मल स्केल जो तुम अभी अभी हमने जो मेन मेन स्केल में वो जो नॉर्मल मीटर स्केल हमारा होता है ना, वो हमारा मेन स्केल था। जो जो लैब में नॉर्मल स्केल्स होता है ना, वो 0 से 15 सेंटीमीटर तक, वो जो तुम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में तुमको मिलता है साथ में, तो वो नॉर्मल स्केल है। अब ये जो येलो वाला स्केल है, ये येलो वाला स्केल ही क्या है, वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल या इसको इंडिकेटिंग स्केल भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो सब बाद में समझेंगे, पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से बात कर लें। ये जो वर्नियर स्केल है ये स्लाइड कर सकता है, इस मेन स्केल के ऊपर ये वर्नियर स्केल क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। अब कभी भी अगर आपको क्या करना है, कभी भी अगर जैसे आपको बोला जाए कि एक सिलेंडर है, या सपोज एक कॉइन है ऐसा, ठीक है, और आपको बोला गया कि आपको इस कॉइन का जो रेडियस है या कॉइन का जो डायमीटर है ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि जो कॉइन है, कॉइन का रेडियस या कॉइन का डायमीटर फाइंड करना है, तो जिस भी कॉइन का रेडियस या डायमीटर आपको फाइंड करना है ना, उसको आप यहाँ पे लाके ऐसे प्लेस कर दो। यहाँ पे ऐसे लाके प्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉइन का डायमीटर या कॉइन का रेडियस मिल जाएगा।
अच्छा, ये जो जॉज है, ये अपर वाला जॉ है, ऊपर ए और सी के बीच में जो ए और सी है उसको बोलते हैं अपर जॉ। ये हमारा अपर जॉ है, ऊपर का जबड़ा। और डी और बी, ये डी और बी जो है वो क्या है, लोअर जॉ है। ठीक है। अच्छा, अब ये लोअर जॉ का काम क्या है? ये लोअर जॉ का काम है कि अगर मेरे को कभी भी एक शेप का, अगर मान लो स्क्वायर है, ऐसा कोई स्क्वायर शेप होता है, उसका लेंथ अगर फाइंड करना है, तो आप इसको इसके बीच में लाके रख दो, आपको उसका लेंथ मिल जाएगा। अच्छा, अपर जॉ का काम क्या होता है? अपर जॉ का काम होता है इनर रेडियस मेजर करने का। जैसे मान लो अगर बोला जाए एक ऐसा हॉलो सिलेंडर है, अब ये हॉलो सिलेंडर का आपको क्या करना है, अगर आपको इसका आउटर डायमीटर जानना है, अगर आप इसका आउटर डायमीटर जानना चाहते हो, तो आप इसको क्या करोगे, आप आउटर डायमीटर जानना चाहते हो, उसको ऐसे लाके प्लेस कर दोगे यहाँ पे, तो आपको आउटर डायमीटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका इनर डायमीटर चाहिए ना, तो इनर डायमीटर के लिए आप क्या करोगे, सिलेंडर को, जो सिलेंडर है उसको इसके बीच में ऐसे लाके रख दोगे। ठीक है, इसके बीच में ऐसे लाके रख दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो इनर डायमीटर है वो मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये जो लोअर एंड है उससे मेरे को आउटर डायमीटर या आउटर रेडियस मिलता है, और ये जो अपर जो है उसको, उससे मेरे को लोअर, सॉरी, इनसाइड, अंदर का जो रेडियस हो गया या अंदर का जो डायमीटर है उसका वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, फिर ये ई क्या है? तो जैसे जैसे ये जो वर्नियर स्केल है ना, जब आप वर्नियर स्केल को उधर स्लाइड करना स्टार्ट करोगे, वर्नियर स्केल को जब आप इधर स्लाइड करोगे, तो ये जो मेटलिक स्ट्रिप है या ये जो टेल है वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो मेटलिक स्ट्रिप है वो क्या करते हैं, इसको डेप्थ, अगर कि कोई, जैसे ये जो मेरे पास था, अगर मेरे को इसका डेप्थ जानना था, तो डेप्थ अगर जानना है तो डेप्थ जानने के लिए क्या करेंगे, ई यूज करेंगे। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। बेसिकली बस इतना जान लो कि एक तो नॉर्मल स्केल जो हमारे लैब में होते हैं वो रहता है, दूसरा यहाँ पर क्या है, एक वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल जो है वो क्या हो सकता है, मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है। अब यहाँ पर इस पूरे वर्नियर कैलिपर में ए और सी के बीच को बोलते हैं अपर जॉ। अपर जॉ का काम है इनर रेडियस मेजर करने का, और डी और बी का जो काम है वो है लोअर जॉ। लोअर जॉ का काम है आउटर डायमीटर या आउटर रेडियस मेजर करने का। ई जो है वो डेप्थ मेजर करने के यूज में आता है, इतना ज्यादा हम इसको यूज नहीं करते, मतलब हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया जो आपको अपने फिजिक्स के लैब में मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसका वर्किंग सीखेंगे, ये काम कैसे करता है। तो इसका वर्किंग के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, स्क्रीन पॉज करूंगा और डायग्राम बनाऊंगा। मेरे को बहुत टाइम लग रहा है इसमें डायग्राम वाइग्राम बनाने में, तो आज लेक्चर का लेंथ शायद थोड़ा छोटा रहेगा, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये वर्नियर कैलिपर में ना रीडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे या काम कैसे करता है, ये उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो कलर्स का यूज किया है। ऊपर का जो स्केल है वो मेरा मेन स्केल है, मेन स्केल जो नॉर्मल स्केल हम लोग यूज करते हैं वो है, और नीचे हमारा क्या है, वर्नियर स्केल है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 अभी क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। मेन स्केल का जहां पर 0 है और वर्नियर स्केल का जहां पर 0 है वो कॉन्साइड कर रहा है। और अगर आप डायग्राम में देखोगे ना, तो वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ऐसा है क्या? बिल्कुल सर, पता चल रहा है साहब साहब। अच्छा, अब यहां पर ये कुछ अलग कलर यूज करते हैं। हाँ, ये मेरे पास यहां से यहां का लेंथ जो है वो 1 VSD है, और यहां से यहां का लेंथ जो है वो 1 MSD है। MSD यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, मेन स्केल डिवीजन है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसको यूज करना सीखना है, तो इसको यूज करने सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना सीखेंगे कि लीस्ट काउंट होता क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो आप समझने की कोशिश करना। मान लो अभी क्या है, इसका 0 और इसका 0 आपस में कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी 0 0 कॉन्साइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो जॉज थे ना, वो जॉज ऐसे ऐसे हैं, जैसे इसे पहले वाले डायग्राम में जब मैंने जॉ बनाया था, तो ए और सी एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहे हैं और बी और डी एग्जैक्टली एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या करते हैं, ये मेन स्केल जो है वो तो शिफ्ट हो नहीं सकता। कौन शिफ्ट हो सकता है? सिर्फ वर्नियर स्केल जो है वो शिफ्ट हो सकता है। मान लो हमने क्या किया, वर्नियर स्केल को शिफ्ट करना स्टार्ट किया।
अब जब इसको आप शिफ्ट करना स्टार्ट करोगे, सपोज ये पहले, ये जो मैंने येलो से बनाया वो पहले का कंडीशन था, अब जो मैं रेड से बनाऊंगा वो बाद का कंडीशन। मान लो मैंने शिफ्ट किया सच दैट ये जो वन मेन स्केल का जो डिवीजन है पहला वन, और वर्नियर स्केल का जो वन है वो कॉन्साइड कर गया। अब अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का डिवीजन कॉन्साइड कर गया, तो ये जो जीरो वाला मार्क पहले यहां पर था, ये जो जीरो वाला मार्क पहले यहां कहीं था, वो मूव करके यहां कहीं पर आ जाएगा क्या? इसका मतलब क्या हो गया, ये एक यहां पर गैप बन गया। अब ये जो गैप बना है ना, ये सबसे छोटा गैप है जो आप मेजर कर सकते हो यूजिंग दिस डिवाइस। ये जो गैप यहां पर बना है, ये सबसे छोटा गैप है या सबसे छोटा लेंथ है जो आप मेजर कर सकते हो यूजिंग दिस डिवाइस। अब जो सबसे छोटा लेंथ हम जो अपने डिवाइस को यूज करके मेजर कर सकते हो, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं क्या? इसका मतलब ये जो लेंथ है यहां से यहां जो लेंथ है, या मैं इसको भी बोल सकता हूं क्या, ये जो लेंथ है यहां पर, ये जो लेंथ है वही हमारा एक्चुअल में लीस्ट काउंट है। तो अगर आप डायग्राम के हिसाब से देखोगे, तो वो जो लीस्ट काउंट बन रहा है वो वन मेन स्केल डिविजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिविजन का बन रहा है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं यहां से लीस्ट काउंट का वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करूं, तो मेरे को मेन स्केल डिविजन और वर्नियर स्केल डिविजन में एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब रिलेशन कैसे देखेंगे वो देखो, पहले तो मैंने ये आपको बताया कि लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट है जो भी आप अपने डिवाइस को यूज करके सबसे छोटा मेजर लोगे, मेजरमेंट करोगे, वो लीस्ट काउंट होता है डिवाइस का। अब यहां पर अगर आपको लीस्ट काउंट जानना है, तो थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, तो डायग्राम थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अपन ने क्या बोला कि जो डायग्राम था वो ऐसा है। हाँ, ये डायग्राम था, स्टार्टिंग में मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जीरो जीरो कॉन्साइड कर रहा था। अच्छा भाई साहब, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने ये जो मेरा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वर्नियर स्केल को शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने वर्नियर स्केल को शिफ्ट करना स्टार्ट किया, अब वर्नियर स्केल को शिफ्ट करना स्टार्ट किया सच दैट, वर्नियर स्केल को शिफ्ट करना स्टार्ट किया सच दैट वर्नियर स्केल का वन, वर्नियर स्केल का वन और मेन स्केल का वन जो है वो कॉन्साइड कर जाए। अगर मैं ऐसा शिफ्ट करना स्टार्ट करूं, तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का डिविजन जब शिफ्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां पर एक गैप बन जाएगा क्या? यहाँ पे यहां से यहां तक, पहले जहां पर ये येलो वाला जो कर्सर है और ये रेड वाला जो कर्सर है, उन दोनों के बीच में एक गैप बन गया। अब ये जो गैप बना है वो एक्चुअल में क्या है, सबसे छोटा वैल्यू है जो तुम अपने डिवाइस को यूज करके मेजर कर सकते हो। तो ये जो गैप बन रहा है एक्चुअल में क्या है, लीस्ट काउंट है। अब ये जो गैप यहाँ पर ये येलो और रेड के बीच में, वही गैप यहां वाला येलो और यहां वाले रेड के बीच में, ठीक है? ये जो मैंने रेड से भी बनाया ना, ये एक्चुअल में यही मेरे पास लेंथ है जो लीस्ट काउंट है। अभी अब लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लीस्ट काउंट अगर अपने को फाइंड करना है, मतलब मेरे को यहां से यहां का लेंथ जानना है, या मैं बोल सकता हूँ यहां से यहां का लेंथ जानना है, ठीक है? अच्छा, एकदम ध्यान से देखना। मान लो अगर वन से इसके वन से इसका वन अगर कॉन्साइड कर रहा है, तो यहां पे जो गैप बना, यहां पे जो गैप बना वो एक लीस्ट काउंट के बराबर हो गया। अब ये जो गैप है मेन स्केल का टू और वर्नियर स्केल का टू, ये जो गैप है वो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा क्या? सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आप देखो, अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं, पीछे ले जाऊं, अब अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं, तो मैंने क्या बोला कि मैंने अपने वर्नियर स्केल को शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट किया, तो मैंने वर्नियर स्केल को इतना शिफ्ट किया। अब मैंने वर्नियर स्केल को इतना शिफ्ट किया, तो वन से वन कॉन्साइड हो गया, तो ये लीस्ट काउंट आ गया क्या? अच्छा, अब मैं अगर और शिफ्ट करता हूं सच दैट ये जो टू वाला मार्क है उससे ये टू वाला मार्क कॉन्साइड हो जाए, तो जितना गैप पहले बना था उतना ही गैप अभी और भी बन जाएगा क्या? पहले इतना गैप बना था, अभी इतना गैप और बन जाएगा। तो पहले अगर लीस्ट काउंट मेजर कर रहे थे, तो अभी टू टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट मेजर कर पाएंगे। अच्छा, अगर थ्री से थ्री कॉन्साइड करता, तो थ्री टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट मेजर कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वन से वन जब कॉन्साइड करेगा, मेन स्केल का वन जब वर्नियर स्केल के वन से कॉन्साइड करेगा, तब जो रीडिंग आ रहा है वो सबसे छोटा रीडिंग, उसी को हमने क्या बोला, लीस्ट काउंट। अब मैंने आपको डेफिनेशन से बताया कि लीस्ट काउंट फाइंड कैसे करेंगे, तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका है, एक मेन स्केल के डिविजन को
वन ईयर स्केल के एक डिविजन से अगर माइनस कर दिया जाए तो अपने को लीज काउंट मिल जाएगा, ठीक है? लीज काउंट का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, फिर मैंने ये देखा ना यहाँ पे कि 10 यहां से यहां का लेंथ, देखो यहां से यहां का लेंथ अगर मैं वर्नियर स्केल में देखूं और यहां से यहां का लेंथ अगर मैं मेन स्केल में देखूं, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिविजन जो है वो 10 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन के इक्वल आ रहा है क्या? बात ये बेसिक, सबसे बेसिक वर्नियर कैलिपर है। अभी इसको हम अच्छे लेवल पे भी ले जाएंगे, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब 9 MSD, 9 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिविजन जो है वो 10 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन के इक्वल है। मैं यहां से 1 वर्नियर स्केल डिविजन 1 VSD का वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो वो क्या हो जाएगा, 9/10 MSD हो जाएगा क्या? 9/10 महेंद्र सिंह धोनी हो गया, 1 VSD वीरेंद्र सहवाग धोनी इज 9/10 MSD, ठीक है? अच्छा, अब 1 MSD अगर मेरे को लीस्ट काउंट जानना है, तो 1 MSD में 1 VSD माइनस करना था, लेकिन 1 VSD तो 9/10 times of MSD है। इसका मतलब ये जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट कितना है, 10 minus 9 times of MSD, तो 10 minus 9 times of MSD मतलब 1/10 times of MSD आया क्या? तो जो लीस्ट काउंट आ रहा है ना वो आ रहा है 0.1 times of MSD। अब ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल क्या है, नॉर्मल स्केल होता है, नॉर्मल स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 millimeter का था क्या? अभी मैंने इससे पहले वाले स्लाइड्स में आपको बताया था कि 1 millimeter का है, तो 1 मेन स्केल डिविजन के प्लेस में अगर आप 1 millimeter रख दोगे तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 millimeter का आ गया क्या? अच्छा, अब यहां पर देखो, जो नॉर्मल स्केल था उसका लीस्ट काउंट था 1 millimeter, जो वर्नियर कैलिपर हम बना रहे हैं उसका लीस्ट काउंट आ रहा है 0.1 millimeter। तो हमने क्या कर दिया, जो रिजल्ट पहले 2.4 तक ही हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर तक ही एक्यूरेट था, वो 2.4 और इसके एक बाद एक और डिजिट मिल जाएगा क्या? क्योंकि 0.1 मिलीमीटर तक जा सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं, तो 2.45 2.47 ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं ना। तो जितना कम लीस्ट काउंट होता है किसी भी डिवाइस का, जितना कम लीस्ट काउंट होता है उतना एक्यूरेट वो रिजल्ट देने वाला है। तो बात समझ में आना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। तो ये जो मेरे पास वर्नियर कैलिपर था उससे मैंने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना सीख लिया। अब आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ इसमें और भी क्या क्या किया जा सकता है। ये तो नॉर्मल केस था जो फिजिक्स, अपने फिजिक्स के लैब में यूज होगा, आगे भी देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं। मैंने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना बताया था। अब इतना जान लो कि वर्नियर कैलिपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो है वो लीस्ट काउंट कैलकुलेशन, और लीस्ट काउंट का जो जनरल फॉर्मूला जो आप बेधड़क कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिविजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिविजन। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मुलेज आएंगे, लेकिन वो जो फॉर्मुलेज है वो लिमिटेशन के साथ आएंगे। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है जो हमेशा यूज करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इसी को जनरलाइज करने के लिए ना कभी कभी आप देखना आपके पास ऐसे भी आएगा, ऐसा बोलेंगे कि जो मेन स्केल है, मेन स्केल के दो डिविजन्स का जो गैप है, वो मान लो M है या S है, कुछ भी मान लो, मेन स्केल के दो डिविजन का जो गैप है वो है M, और वर्नियर स्केल के दो डिविजन्स का जो गैप है, वो है मान लो V। मतलब इस बार वो क्या कर रहे हैं, MSD और VSD का वैल्यू वो ऐसे गैप में बता रहे हैं कि मेन स्केल का जो गैप है वो है M और वर्नियर स्केल का जो गैप है वो कितना है, V। अच्छा, और ये बोला गया है कि इफ n डिविजन्स ऑफ VSD, इफ n डिविजन्स ऑफ VSD कॉन्साइड्स विथ n minus 1 division ऑफ MSD, then find the least count. अच्छा, अब हम तो जानते हैं least count का formula क्या है, 1 MSD minus 1 VSD, ये formula है, ठीक है? तो यहाँ पर एक तो direct answer में ऐसा बोल सकता हूँ, एक main scale division का value m के बराबर है और एक vernier scale division का value क्या है, v के बराबर है, तो m minus v कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन question में जब ये देंगे ना तो इस तरह का option नहीं देंगे, क्योंकि सबसे straightforward answer हो।
आपको ये कंडीशन यूज करना है, एन डिविजन ऑफ वी एस डी जो है वो एन माइनस वन डिविजन ऑफ एम एस डी के बराबर है। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया है। अब अगर मेरे पास ये गिवन है कि n टाइम्स ऑफ, अब n टाइम्स ऑफ वी एस डी, वी एस डी का एक डिविजन s के बराबर था क्या, इक्वल्स टू n माइनस वन टाइम्स ऑफ एम एस डी, एम एस डी का एक डिविजन m के बराबर था। यहां से अगर अपन, सर ये v के बराबर है, ये v के बराबर है। अब यहां से अगर मैं v का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, n माइनस वन इंटू एम डिवाइडेड बाई एन, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब जो लीस्ट काउंट है, जो लीस्ट काउंट है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा एम माइनस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ एम डिवाइडेड बाई एन। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एन इंटू एम माइनस एन इंटू एम प्लस एम डिवाइडेड बाई एन प्लस एन एम, माइनस एन एम से गायब अगर हो जाएगा तो जो लीस्ट काउंट है, तो जो लीस्ट काउंट है उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई n। अब ये भी फॉर्मूला बहुत बार हम यूज करेंगे, बहुत बार हम मींस अगर अपने को लीस्ट काउंट, देखो अगर आप वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना सीख जाते हो तो रीडिंग फाइंड आउट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अच्छे क्वेश्चन लीस्ट काउंट पर ही बनते हैं। तो लीस्ट काउंट जो होगा, लीस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला क्या बन रहा है, m, m क्या था, वन डिविजन ऑफ मेन स्केल, वन डिविजन ऑफ मेन स्केल का जो लेंथ है, वन डिविजन ऑफ मेन स्केल का जो लेंथ है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन इन वर्नियर स्केल। इस तरह से भी हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया मेरे पास लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट या तो देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 MSD माइनस 1 VSD, या कभी कभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे दोनों। अब ये फॉर्मूला तो सब सारे फॉर्मूलाज का बाप है, इसको हमेशा यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है वो लिमिटेशन के साथ आएगा, तो कैसा लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है वही बता देंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अच्छा अब इसमें ना रीडिंग फाइंड आउट करना बताते हैं। देखो सबसे बेसिक या सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है लीस्ट काउंट का कैलकुलेट करना। अगर लीस्ट काउंट फाइंड करना नहीं आया है तो आगे कुछ नहीं सीख पाएंगे, और अगर लीस्ट काउंट फाइंड करना आ गया है तो आगे का कैलकुलेशन सिर्फ बच्चों का लगेगा, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक इस तरह का डायग्राम गिवन है, ठीक है, और अपने को बोला गया है फाइंड द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। ये मेरा मेन स्केल है और ये नीचे जो है वो मेरा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल। अच्छा अब जब भी आपको रीडिंग फाइंड करने के लिए बोला जाए, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, आपसे बोला जाए फाइंड द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कैसे फाइंड करेंगे, तो वर्नियर कैलिपर का रीडिंग सिंपल से लिखना है भाई साहब, क्या लिखना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, ऐसा लिखना है। और इसमें ये बोल रहे थे, इसी में इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 1 MSD जो है 1 मिलीमीटर के बराबर है, और 10 VSD जो है वो 9 MSD के बराबर है, ये क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है, ठीक है। अच्छा भाई साहब अब रीडिंग कैसे निकालना है, तो अगर रीडिंग निकालने में अगर देखोगे तो मेरे को तीन वैल्यू चाहिए, एक तो MSR चाहिए, एक तो LC चाहिए और एक VSR चाहिए। अब LC का कैलकुलेशन करना आता है, LC का वैल्यू हो गया 1 MSD माइनस 1 VSD, और यहां पर अगर देखोगे तो 1 MSD को तो ऐसे ही रहने सकते हैं, 1 VSD के प्लेस में इसको अगर मैं लिखूंगा तो वापस से कितना आ जाएगा, 9/10 टाइम्स ऑफ MSD आ जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट का वैल्यू 1 मिलीमीटर का ही आने वाला, नहीं सॉरी 0.1 मिलीमीटर का ही आने वाला है क्या, तो लीस्ट काउंट तो 0.1 मिलीमीटर का आ गया। अच्छा अब MSR जानना है, MSR का मतलब हो गया, आप हमेशा देखना कि आपके जो वर्नियर का जीरो है, आपके जो वर्नियर का जीरो है उससे पहले तक जो भी रीडिंग आ चुका है ना वही MSR है। तो वर्नियर के जीरो से पहले तक ये 2 है, 2 सेंटीमीटर है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
ये 2.5 सेंटीमीटर है ना, तो MSR का वैल्यू यहां पर कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। MSR का वैल्यू अपने को मिल गया 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा अब VSR का मतलब क्या होता है, तो VSR का मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब ये VSR जो होता है ये वर्नियर स्केल का वो रीडिंग, वर्नियर स्केल का वो रीडिंग जो मेन स्केल से परफेक्टली कंसाइड करे, मेन स्केल से परफेक्टली कंसाइड करे, उसको हम क्या बोलेंगे, VSR। जैसे यहां पर अगर देखोगे तो मैंने एरो के साथ जो बनाया ना वही क्या कर रहा है, परफेक्टली कंसाइड कर रहा है। तो यहां पे जो वर्नियर स्केल का सिक्स वाला मार्क है वो परफेक्टली कंसाइड कर रहा है, तो VSR का वैल्यू क्या रख देंगे, VSR का वैल्यू रख देंगे सिक्स। बात समझ में आया। अब रीडिंग लिख दो, रीडिंग यहां से वैल्यूज पुट कर दो, रीडिंग मिल जाएगा। तो रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा इसका MSR का वैल्यू कितना था, MSR का वैल्यू है 2.5 का, तो 2.5 सेंटीमीटर में चल रहा था, प्लस लीस्ट काउंट हमने कितना देखा था, 0.1 मिलीमीटर है या 0.01 सेंटीमीटर लगा सकते हैं, इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आया 6 का। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.56 सेंटीमीटर का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें मैं 10 क्वेश्चन नहीं कराने वाला, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, यही आप ध्यान से समझना है। सबसे पहला कैलकुलेशन करना होगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन आप दो तरह से कर सकते हो, या पहला तरीका होगा आप क्या करो, 1 MSD को 1 BSD से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा वही लीस्ट काउंट है, पहला तरीका। या अगर ऐसा कोई कंडीशन गिवन है कि n BSD equals to n minus 1 VSD, तब वहां पर क्या कर दोगे, एक मेन स्केल डिवीजन को अगर नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल से डिवाइड कर दोगे तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का। एक बार अपने को लीस्ट काउंट मिल गया तो फिर अपने को फाइंड करना होगा मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जो भी रीडिंग आ चुका है वही क्या है, वही मेरा मेन स्केल रीडिंग है। ये बात समझ में आया, बिल्कुल सर। फिर VSR क्या है सर, तो आप चेक करो कि वर्नियर स्केल का ऐसा कौन सा रीडिंग है जो मेन स्केल वाले रीडिंग से एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है, वो 0 से 9 के बीच में ही रहेगा। वर्नियर स्केल रीडिंग हमेशा 0 से 9 के बीच में ही रहेगा, या तो 1 एग्जैक्टली कॉन्साइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, एंड सो ऑन। तो VSR का वैल्यू मिल गया। अब एक बार MSR आ गया, LC आ गया, VSR आ गया, सबको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर का रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे कुछ बताने बाकी है, मेरे को टाइम भी नहीं है, हटे जा यार। आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना मोहतरमा और जनाबे अली। एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कैसा है, n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल का n डिविजन जो है, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर कॉइंसाइड विद n+1 डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो वो ऐसा कुछ बोल रहा है, मेन स्केल का n डिविजन्स, n टाइम्स ऑफ MSD जो है वो n+1 टाइम्स ऑफ VSD है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना, पैरा लाइन यही बोल रहा है। If each division of main scale is of a unit, अब main scale का एक unit जो है, मतलब 1 MSD का value उन्होंने कितना दिया, small a का दिया है, determine the least count। अब हम क्या जानते हैं, जो least count होता है, least count है 1 MSD minus 1 VSD, ऐसा कुछ देखा है क्या, बिल्कुल। तो 1 MSD minus 1 VSD के place में क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को अगर यूज किया जाए तो 1 VSD के प्लेस में ऐसा लिख सकते हैं क्या, n MSD डिवाइडेड बाय n+1 MSD, नहीं सॉरी n+1
एमएसडी डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सर, लिखा जा सकता है। तो यहां पर जब आप लीस्ट काउंट फाइंड आउट करोगे तो लीस्ट काउंट हो जाएगा, मैं वन एमएसडी अगर कॉमन बाहर निकाल दू तो ये हो जाएगा एन प्लस वन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, माइनस एन से प्लस एन गायब कर दो, तो लीस्ट काउंट का वैल्यू जो है वो वन एम एस डी डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आया क्या। अब मेन स्केल का एक डिविजन जो है वो ए के इक्वल है, तो जो डिवाइस है उसका लेंथ हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब इसी क्वेश्चन को ना, आप इसी क्वेश्चन को एक मैंने और तरीका बताया था उससे तुरंत आंसर बता सकते थे। जैसे मैंने बताया था, जब भी ऐसा कोई रिलेशन हो, एन डिविजन इज इक्वल टू एन प्लस वन डिविजन ऑफ वन ईयर, ऐसा कुछ रिलेशन हो, तो आप ये देखो कि मीन्स जो मेन स्केल है उसका सबसे छोटा डिविजन का लेंथ कितना है। तो मेन स्केल का सबसे छोटे डिविजन का लेंथ ए यूनिट्स का है क्या? ठीक है। फिर आप ये देखो कि नंबर ऑफ डिविजन वर्नियर स्केल में कितना है, तो वर्नियर स्केल में एन प्लस वन डिविजन है। लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला ही बताया था मैंने, वन एम एस डी एक वर्नियर मेन स्केल का डिविजन डिवाइडेड बाई लीस्ट, सॉरी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई क्या था, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन इन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में इस बार एन प्लस वन डिविजन है, तो ए प्लस सॉरी ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो चाहे तो आप बेसिक मेथड से जाओ या जो फॉर्मूला बताया उससे चले जाओ, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही देते हैं। अच्छा, ये लेक्चर छोटा हुआ होगा, लेक्चर का लेंथ छोटा होगा क्योंकि मेरे को बार बार पॉज करके डायग्राम बनाना पड़ रहा था इसीलिए।